हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं करा है तो अभी करें। आज की वीडियो में मैं एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो लोग वेट लॉस करने की सोच रहे हैं या फिर अपनी डाइट फॉलो करते हैं, तो वो इस तरह का ऑमलेट बना के खा सकते हैं। और इसमें हम बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं दो अंडे ले रही हूँ, जिनकी वाइट पार्ट लेना है हमें, येलो पार्ट नहीं लेना है। और इसमें हम अपने मन से कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ साग ले रही हूँ, और इसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया। मेन मकसद होता है हमें हेल्दी खाना होता है, और ऐसा कुछ खाना होता है जिससे हमारा पूरा दिन उसमें हमारा स्टमक फुल फील करे और आधे से ज़्यादा दिन निकल सके। ऐसा कुछ हैवी खाना होता है, तो ये परफेक्ट रहेगा अगर आप सुबह में कुछ हैवी खाना चाहते हो तो। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और एक और वाइट पार्ट डाल रही हूँ एग का, और फिर अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। और इसमें हम कोई ऑयल नहीं डाल रहे हैं, ना हम इसे पैन पे बनाएंगे, हम इसे 3 मिनट में ओवन में डालकर बनाएंगे। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, और ये एकदम हेल्दी है क्योंकि इसमें 1% भी ऑयल नहीं गया है। आप इसमें कोई भी वेजीज डाल सकते हो बारीक काट कर, और ये बहुत टेस्टी लगता है। और ओवन में डायरेक्ट आपको रखना है, 3 मिनट में आराम से ये कुक हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बैक साइड इसका नीचे से गीला है या कुछ भी ऐसा, तब इसको फ्लिप करके और 10 सेकंड और इसे ओवन में पका सकते हो। और ये विदाउट ऑयल भी आराम से छूट जाएगा, किसी भी बर्तन में लगेगा नहीं। तो आप देख सकते हो ये एकदम हो चुका है। और बैक साइड से अगर नहीं होता है तो फिर आप इसे 10 सेकंड के लिए और ओवन में डाल के कुक कर सकते हो। अभी ये यहाँ पे गीला लग रहा है, तो आप इसको पलट के और ओवन में 10 to 15 सेकंड के लिए आराम से इसे कुक कर सकते हो। और इसे आप गरम गरम ही खाएं, तभी आपको अच्छा लगेगा। और आप चाहो तो इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर डाल सकते हो, हल्का सा चाट मसाला डाल सकते हो। और आप देख सकते हो ये एकदम हो चुका है अच्छे से। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और इसमें आप अपने पसंद से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, बस उसे अच्छे से आपको बारीक काटना होगा बस। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हैवी ऑमलेट बना है। तो आई होप आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।